एक क्विक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो अभी रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है, ये जनवरी में जो मेरा डेली राइड हुआ था ये तभी का वीडियोस है। ये COVID-19 के पीरियड में मैं कोई ट्रैवलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं हूँ घर पे हूँ, सेफ हूँ। आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि सेफ रहिए, घर पे रहिए, सैनिटाइज रहिए, जितना हाइजीन मेंटेन कर सकता है मेंटेन कीजिए, एंड गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो करके। थोड़ा डिफिकल्टी है घर पे बैठना, ये इजी टास्क नहीं है, लेकिन आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो अपने को ये कोरोना का जो ये COVID-19 है इसको जितना जल्द हो सकता है हम लोग इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो एन्जॉय कीजिएगा आगे का व्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डे 5, आज का तारीख है 13th of January 2020। दिल्ली पहुंचा कल रात को और कल रेस्ट किया। मॉर्निंग अभी 9:30 10 o'clock तक सोया था, ब्रेकफास्ट हो गया, अब रेडी हो रहा है। और अब थोड़ा सा पहला मुझे सबसे पहला गाड़ी का सर्विस करना है क्योंकि ऑयल चेंज का टाइम हो गया एंड थोड़ा चेन लूज हो गया, वो सब जगह सर्विस करवा लेता हूँ ताकि मुझे आगे ड्राइव को तकलीफ ना हो। एंड इफ पॉसिबल करोल बाग जाऊँगा। एंड मेरा रूम बहुत अच्छा रूम मिला हुआ है, कल कल के व्लॉग में आपने देखा, लेकिन नाइट टाइम जा करके मैं आपको नहीं दिखा पाया। ये देखो इसका रूम का व्यू देखो, मस्त रूम का व्यू है और पूरा कंटिन्यू मेट्रो चालू रहता है। हो सके तो मैं भी आज नहीं बोल पाऊँगा, कल या परसों में एक दो बार लोकल ट्रैवल जो भी है मैं मेट्रो से करूँगा, क्योंकि क्या है इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम में गाड़ी निकल के दिल्ली में घूमना मुश्किल हो जाएगा। अभी पैनियर्स निकाल के रूम में रख रहा हूँ, 2 दिन और एक्सटेंड किया है, तो देखते हैं। लेट्स हैव गुड टाइम। एंड अभी मैंने यहाँ का जो स्टोर है, जो सर्विस सेंटर है, वो लक्ष्य भाई से बात करके, लक्ष्य भाई ने दिया मुझे सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे जाता हूँ, सर्विस करता हूँ, इफ पॉसिबल सर्विस का भी ब्लॉग बनेगा। तो अब मोटो ब्लॉग चालू। दिल्ली में पटेल नगर में होटल रूम लिया था मैंने। मैंने पहले एक्चुअली एक दिन के लिए बुक किया था क्योंकि मुझे रूम कैसा पता नहीं था, तो एक दिन के लिए बुक किया था, अभी 2 दिन के लिए एक्सटेंशन मार दिया। अब पैरियर सब निकाल के रूम में रख दिया है मैंने, और अभी गाड़ी हल्का कर दिया है एकदम। अब यहाँ पे सिटी में राइड करना अभी एक प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि कल सिटी में राइड करने में बहुत तकलीफ हो रहा था, और वैसे भी दिल्ली फेमस है ट्रैफिक के लिए। अभी मैं गाड़ी लेके इसलिए निकला हूँ, मेरा आज एक्चुअली बाइक पे जाने का प्लान नहीं था क्योंकि इंजन ऑयल का लेवल काफ़ी डाउन हो चुका है, रफली 4000 किलोमीटर ऑड किलोमीटर हो गया है, मैं 4000 में ही बदलता हूँ, 5000 मैक्सिमम खींच देता हूँ, बट 4000 में बदल देता हूँ। बट अभी ऑयल का लेवल काफ़ी कम दिख रहा है मेरे को क्योंकि हीटअप ज़्यादा हो रहा है, हीटअप ज़्यादा हो रहा है मतलब इंजन कंटिन्यू चल रहा था, तो जिसकी वजह से अभी मैं रिस्क नहीं लूँगा, ऑयल बदल के लूँगा, सर्विस करके लूँगा। एंड अभी बहुत रहा हूँ, मेरे को जो लोकेशन दिया हुआ है लक्ष्य भाई ने, वो तिलक उसका दुकान का नाम मैं भूल गया, वहाँ पे जाके आपको बताऊँगा। लोकल मैकेनिक कैसा होता है, जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो, जो जिसको थोड़ा जानकारी हो उसी को पूछना सही है, इसलिए लक्ष्य भाई से बात हुआ। वाह, क्या ऐसा टॉप बॉक्स है, तो बहुत मज़ा आता है, मेरा पूरा सामान उसमें रख के चला पाता था, सामान बहुत मज़ा आता था, कट फिट मारने बहुत मज़ा आता था, लेकिन चढ़ना उतरना बहुत तकलीफ है, जो भी है मानना पड़ेगा भाई। यहाँ पे मेरा इस दिन का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि जो दिन मैंने करोल बाग जाने का सेलेक्ट किया होता है वो होता है मंडे, और उस दिन में बाकी दुकानें खुले नहीं होते, कुछ कुछ मतलब चालू वाले दुकान चालू रहते, तो मेरे को जो जब लोकेशन लक्ष्य भाई ने बोला था वो लोकेशन बनता, तो डिसाइड किया नेक्स्ट डे जाने का। अब मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से मैं मेट्रो लूँगा और इंडिया गेट घूमने के लिए और चांदनी चौक घूमने निकल जाऊँगा।
आज मेट्रो की सवारी, चांदनी चौक जा रहा हूँ मैं, सोचा मेट्रो ले लेता हूँ, देखते हैं। मेट्रो पकड़ के चांदनी चौक जाने का रीज़न ही ये था, और लंच टाइम हो चुका था तो बोला पराठे खाऊंगा, तो पराठे वाली गली पहुंच गया। ये जो होटल है, ये लास्ट टाइम मैं जब दिल्ली गया था मैं यहीं पे खाया था। तो ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, लेकिन यहाँ का एक प्रॉब्लम भी है, टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए आपको दो पराठे लेना पड़ता है, बट टेस्ट इज़ ऑसम। और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ, नेक्स्ट डे यानी दो तीन दिन बाद जाता हूँ, तो तभी फिर मैं वापस वही पराठे वाली गली में जाता हूँ, शायद एक और ब्लॉग में वो आपको दिखाई देगा। तो उस दिन मुझे दूसरा होटल ट्राई करता हूँ, वो भी बहुत अच्छा टेस्टी रहता है। यहाँ पे बेसिकली तीन या चार फेमस पराठे का दुकान ही है, तो आप जहाँ पे जाओगे आपको एक ही दुकान में यह स्कीम दिखेगा जहाँ पे मिनिमम दो खरीदना पड़ता है, बाकी सब दुकानों में एक होता है। बट कभी भी दिल्ली जाओ तो श्योर डेफिनेटली एक बार तो पराठे वाली गली जाना भूलना नहीं। लाल किला आया है, पराठे वाली गली जाके पराठा खाया, लेकिन व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि गर्दी बहुत था। अभी लाल किले पे 26 जनवरी की वजह से सिक्योरिटी ज़्यादा है। ये है हमारा लाल किला, ये अभी हम इंडिया गेट पे, मैं इंडिया गेट पे खड़ा हूँ, इसकी वजह से ज़्यादा नहीं अंदर जाने मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आग जो जल रहा है, ये वही जवानों के लिए जल रहा है, उनके याद में मेमोरियल प्लेस है ये। कोई सीज़न में अंदर तक थोड़ा जाने को देते हैं लोग, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पास में आया करके नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से इंडिया गेट पहुंच के फिर मेरा पूरा दिन वहाँ पे एंड होता है, उसके बाद मैं रूम चला जाता हूँ रेस्ट कर। ये डे 6 यहाँ पे एंड होता है, और कंटिन्यूएशन ब्लॉग अभी डे 7 का आपको कल दिखाई देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाना। सो यूट्यूब के दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही में बेल आइकन है, बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो बेल आइकन दबाने के बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जैसा आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एक्सप्लोरिंग फॉर पीस विद जिजो, वहाँ पे भी आप जाके IGTV पे भी वीडियो देख सकते हो। कनेक्टेड रहिए सो दैट आपको वहाँ पे लाइव अपडेट मिलेगा। यूट्यूब पे मैं कैसा थोड़ा स्लो चलता हूँ, थोड़ा कभी कभी 15 दिन एक महीने का डिले आता है। इंस्टाग्राम पे जो कनेक्टेड है उनको मेरे पूरे ट्रैवल अपडेट्स अपडेटेड, एंड स्टे कनेक्टेड टू द वीडियो सो दैट यू गेट द अपडेट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो एंड माई नेक्स्ट ट्रैवल प्लान। स्टे ट्यून्ड।